क्या हाल है, उसकी वजह क्या है, और जो नारे बोलो स्लोगन्स एमपी स्लोगन्स दिए जा रहे हैं उसकी वजह ही है कि इंसान परेशान है, वो नए नए तरीके ढूंढ रहा है खुशी हासिल करने के, आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए। और आप स्टडी करें तो आपको मालूम होगा कि इसीलिए वुमेंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रन डे, पेरेंट्स डे, टीचर्स डे, क्योंकि आज के टीचर्स डे मनाने की जरूरत पड़ रही है कि बच्चा खड़ा होता है सेवन क्लास तक अपने क्लास के क्लासमेट्स को गोली भूल देता है, टीचर्स को भूल देता है, इसलिए टीचर्स डे मनाने की बात हो रही है। हम जितने दिन में पलक झपकते हैं उतने दिन का डेट गुजारा है, वो भी कई सौ की तादाद में, ये रिपोर्टेड केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड हमें छोड़ दिए। तो इस वक्त पूरी सोसाइटी बेचैन और परेशान है, जाहिर है मुसलमान भी सोसाइटी का हिस्सा है, उस माशरे का हिस्सा है, तो बहदानियत तौहीद का एक स्वयं कॉन्सेप्ट होता है इस्लाम, एक स्वयं पर काम करता है, और उसका मानना यह है कि आप इंसान के अंदर से हालत दिया शाहिद साहब ने, बिल्कुल ठीक बात है कि जो क्रिएट करने का ये सब करते हैं, आप पहले तो कुछ चीज़ों को अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब तक आप चीज़ों को अज्यूम नहीं करते हैं तब तक कुछ भी दुनिया में एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैथ आप लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, वहाँ भी अज्यूम करते हैं पहले आप एक्स है, ये इनफाइनाइट है, तो एग्जिस्ट नहीं करती वो चीज़, लेकिन आप जो मानते हैं ऐसे ही इस्लाम पहले मानने की बात करता है, फिर कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे वैधानिक की बात है, एक आपने राइटर को अगर पढ़ा हो पॉइंट, पॉइंट ने रिलीजन के ऊपर बहुत हमले किए, बहुत हमले किए, बहुत तल्ख चीज़ें उसमें कही हैं, बहुत तल्ख बातें कही हैं रसूलुल्लाह के सिलसिले में या और दूसरे रिलीजन के सिलसिले में, लेकिन जब वो वैधानिक की तरफ आता है तो वो कहता देयर कैन नॉट बी, यू कैन, ये कहता है वो देयर कैन बी नो मोरलिटी अनलेस यू बिलीव इन गॉड। मॉरलिटी का तस्वुर नहीं हो सकता कि जब तक आप खुदा में यकीन ना करें, मुमकिन ही नहीं। अगर आप लोगों को अखलाक की बात करें कि सब लोग अच्छे अखलाक पेश आए, एक सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी बने, तो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि आप खुदा का को ना माने। फिर एक पावर है कुछ जो हमें देख रही है, हमें वॉच कर रही है, हम उसके सामने रेस्पॉन्सिबल होंगे, वो भी जिसने इतने ज़्यादा हमले किए, वो बहुत बड़ा एक नाम है, इसलिए मैं उसका हवाला दे रहा हूँ, वो कहता है देयर कैन नॉट बी, देयर कैन बी नो मोरलिटी अनलेस यू बिलीव इन गॉड। वो कहता है कि ये जो नारे दिए जाते हैं कि जी सर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऐसा ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी से काफी चल रहा है, ये स्लोगन देते हैं हम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी आदमी भूल जाता है तो अरबों खरबों के घोटाले की बात आती है, जब एक क्लिक में उसके अकाउंट में इतना पैसा आ रहा होता है, जब नोटों की बैग उसके हाथ में आ रहे होते हैं, तो आप जो है 100 रुपये 500 भूल जाता है, या किसी के गले में छोरा रखता हो तो 500 बंदे पत्ता कर दिया है उसे भूल जाता है। उसने कहा है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, तो कहता है कि जो और अतीत का या और दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा खुदाओं का तस्वुर है या और दूसरे जहाँ खुदा का तस्वुर ही नहीं, तो कहता है ये जो जहाज़ है वो बिना लंगर है। वैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, आखिरत का इस्लाम का, आखिरत का है आपका हिसाब किताब होगा, अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह के सामने जाना है, एक अल्लाह के सामने आप, एक गॉड के सामने आपको पेश होंगे, उस हिसाब आपको हिसाब किताब लेना है। लोगों ने लिखा है इस पर, जो उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते लेकिन वो लिखते हैं बात, तो कहते हैं ये जो आखिरत का कॉन्सेप्ट है ये इसेंशियल पार्ट है इंसान के, इंसान के जस्टिस हो ही नहीं सकता जब तक आप ये न माने की आदत होगी एक है जहाँ पर हिसाब किताब होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक आदमी है, उसने एक आदमी का कत्ल कर दिया, क्या सजा आपके पास की, एक आदमी का कत्ल कर दिया, क्या करेगा उसका कत्ल कर दिया उसको फांसी दे दी, एक आदमी दो आदमियों का कत्ल किया उसकी क्या सजा, एक आदमी तीन कर दिया, एक ने चार कर दिया, और मुसलमान ही हटिया जैसे बहुत सारे नाम आपके पास है जिसने लाखों लोगों का कत्ल किया आपसे मैं कहूँ एक हाथ आप उठा दीजिए,
उठाएंगे आप दूसरा आ जाएंगे पैर उठा के उठा लेंगे, मैं कहा दूसरा पैर उठाएंगे तब यहाँ आपकी एलेबल यहाँ। तो एक लिमिटेशन उसने प्लान सॉलिड प्लान दिया है सामने कि सोसाइटी की फॉर्मेशन की बुनियादें होनी चाहिए और सोसाइटी में इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी हैसियत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि इंसान और उसकी अदा, इसलिए आपको आप मेरे इस्लाम की तालीमात में कि अखलाक और जस्टिस इसके लिए आपको पैदा किया गया, अल्लाह रसूल को भेजा गया इस्लाम में तो जस्टिस करें तो अखलाक की तालीम दे और एक सोसाइटी बना के दिखाएं। सही बात है कि एक सोसाइटी बना के दिखाई, आइडियल सोसाइटी बना के दिखाई। हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा रोल क्या है, तो ये मैंने बात आपको बताई कि इंसान की ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे, माने। और जैसा कि बात बताएगी इस्लाम ने वो पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया है सोसाइटी बनाने का, इंसानों को आपस में कैसे रहना है, उनका जो है काम कैसे चलेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, उनकी सोसाइटी उसके मेल की क्या होगी, फीमेल की क्या होगी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसको तय किया है। ये इस्लाम के ऐसे बुनियादी उसूल है जिसको हम नहीं सिर्फ मानते बल्कि वो भी मानते जो इससे खिलाफ करते हैं, ये वो सॉलिड बुनियादी हैं। क्योंकि इंसान को जब तक अकाउंटेबल, आप उसके दिल और दिमाग में बात की होगी कि हर फर्द जो है वो अकाउंटेबल है, जवाब है उसको अपनी जवाबदेही करनी होगी और एक ऐसी ताकत के सामने करनी होगी जो हर चीज़ पर काबिज है, जो हम जिसके जहन में ये बात हो कि हमारा बनाने वाला भी वही है, उसके सामने हमको पेश होना है। मैं मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया गया था कि डॉक्टर्स की राय ली गई थी पूरी दुनिया से, क्योंकि डॉक्टर्स बड़े लोग हैं, उसमें बहुत बड़े नाम एलिस जॉन और इस तरह के बड़े लोगों का नाम था। उनसे पूछा गया कि आप जब ट्रीटमेंट देते मरीज है 2 घंटे मर जाएगा, 24 घंटे मर जाएगा, तो क्या रियल में ऐसा होता? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़्यादातर डॉक्टर्स का इंटरव्यू ये था नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि कोई पावर है जो काम करती है, हम सिर्फ दवाई बांटते हैं, हम सिर्फ दवाई देते हैं, असलन दवाई। अब जितने मेडिकल के लड़के वो बात समझ रहे होंगे, हम लोग सिर्फ दवा इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, असलन बॉडी को ही इंजेक्ट करना होता है, हम स्टिमुलेट करते हैं इसे। जितने भी एड्रोपिन और जिस तरह के इंजेक्शन आप देखते हैं उनका क्या काम है, वो सिर्फ स्टिमुलेट करता है बॉडी को, बाकी काम तो बॉडी को खुद करना होता है। वो लोग कहते हैं अपने इंटरव्यू में खुदा को कॉन्सेप्ट के ऊपर एक इंटरव्यू किया गया था बड़े कमाल का, तो उसमें उन्होंने ये माना कि नहीं कोई ना कोई ऐसी पावर है, ये सब अतीत है उस और मेडिकल प्रोफेशन में भी है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात उनसे पूछी जा रही है तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता जो आप कहते हैं कि 2 घंटे में चला जाएगा, 24 घंटे में, 24 साल जिंदा रहता है, 2 घंटे में वो 2 दिन 10 दिन जिंदा रहता है, तो हम सिर्फ अज्यूम करते हैं चीज़ों को। तो कहना मतलब मेरा ये कि ये भी लोग मानते हैं इसके साथ साथ कि नहीं कोई चीज़ है, कोई ताकत है, कोई एग्जिस्ट करती है जो, और जो अपना काम करती है, अपना रोल अदा करती है। इस्लाम की बुनियाद इन सॉलिड चीज़ों पर है, मैंने जैसे आपसे बताया कि आप यकीन करते हो ना करते हो उस पर, आपकी मजबूरी है कि इनको माने, आप भले इस्लाम में दाखिल हो ना हो, लेकिन इन चीज़ों को बुनियादी चीज़ों को आपको तस्लीम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, फितरी चीज़ है। अब देखिए, अब इस्लाम का जो वाकया जो आपके सामने बयान किया गया, इस्लाम का जो अल्लाह है, मेरा जो खुदा है, वो तो देख रहा है, ये एहसास हजरत उमर फरमाते हैं कि आदमी दुनिया में बकरी की भी मरती है तो उसके ऊपर जिम्मेदार है, ऐसा खुद वो एक आइडियल सोसाइटी बनाकर दिखाया, नमूना बनाकर दिखाया, एक एग्जाम्पल सेट किया है दुनिया के सामने। अब हमारी जिम्मेदारी इसके लिए हमारा रोल क्या है, हमारे सिलसिले में अपने सिलसिले हमको हमेशा एक बात माननी चाहिए, उसके बाद तस्कीर में भी बात है, मुस्लिम जब वर्ड आ जाए, जब ये बात आप तस्लीम कर लें तो आपको हमेशा बेनिफिशियल रूल होना जरूरी है, यही आपकी बड़ी कामयाबी है और यही आपका रोल है और यही आपकी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैंने कुरान की आयत कोट किया आपके सामने, तो कजाली का जानना मोहम्मद मस्त शौका रनास रसूल का यू आर द जस्टली बैलेंस जुम्मा सो दैट यू माइट बी विटनेसेस ओवर मैनकाइंड एंड द मैसेंजर बी ए विटनेस ऑफ आवर मैसेंजर। ये है जिम्मेदारी, हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और नबी तुम पर गवाह,
ये नंबर और वो आया था बहुत मशहूर सुन लोग किसी वाले इमरान तुम तुम फैला मत हो प्रदर्शन नास कानून अभी मारो तुम कानून तो तुम नहीं किया कि कपड़ी का आया यू आर द जस्ट यू आर द बेस्ट ऑफ मी आप देखिए तुम तुम फैला मत बिना इस्तेमाल नहीं मौत किसी मत के लिए फैला मत सुपर लेटर बीवी का इस्तेमाल हो रहा है बस अरबी में भी इंग्लिश में यू आर द बेस्ट ऑफ मी एंजॉयिंग व्हाट इज राइट फॉरबिडिंग व्हाट इज रॉन्ग एंड बिलीविंग इन तो बच्चे ने भी सवाल किया उसको वो भी उसका जवाब भी किसी में शामिल है कि हम उन चीज़ों को रोकते हैं जिससे सोसाइटी या इंसानों की अकदार उनकी 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 शख्सियत पर उनके उनके राइट्स पर जर्ब आती है आपको आज़ादी तब तक है जब तक मेरे नाम पूछने लगे आपको आज़ादी तब तक है जब सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचे ये आज़ादी इस्लाम से करता है उससे आगे की आज़ादी का छड़ी घुमाया अपनी नाक पर लग जाए या ऐसा काम करें कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचे उसके लिए सख्ती से रोकता है इसलिए उसके तालीमात की सेहत के अपनी जबान से समझाओ लोगों को प्रोपेट करो कन्विंस करो काउंसलिंग करो बताओ उनको कि लेकिन बुरी बुरी बात ऐसे नहीं होना चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट जो इस्लाम ने दिया है वो जिसने दिया है सबसे पहला तरीका है कि इसको आप कहें अपनी ताकत से रोकें ऐसी चीज़ों ताकत से रोकें जो सोसाइटी को नुकसान पहुँचा रही बिगाड़ पैदा कर रही हो और उसके बाद फिर जबान से पूरा कहें वो पूरा इससे आदि बताया गया तो ये जो चीज़ है कि अब ये कायम हो सोसाइटी के अंदर अखलाक का मैं उनसे ऊँचा हो और बैर साहब को बताया कि इस्लाम दुनिया के ऐसा है वामामा यंकू नासा अंदर से दुनिया से कि लोगों को जो है फ्रूटफुल बनना है आपको फायदेमंद बनना है कोशिश करें तो वो एक आइडियल सोसाइटी बने जहाँ इंसानों को हुकूमत पासदारी हो ये है कुछ चीज़ें जो मुझे आपके सामने रखनी थी अल्लाह ताला हुआ है कि हम तमाम लोगों को क्योंकि ऐसे उम्मत के फर्क की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी चाहे हम डॉक्टर हों चाहे इंजीनियर हों चाहे किसी दूसरे पेशे का हमारा ताल्लुक हो इस जिम्मेदारी को समझने की तौफीक दे और उसका सही रास्ता बताने वाले उसका सही सलूशन पेश करने वाले हम बन जाएँ और हम उसका जीता जागता एग्जाम के नुकसान के लिए जिला कर लगा With this reaches the end of the session. Now the token of love and appreciation from the whole IDB and the family, I request Dr. Shahid Malik a moment to do a speech. Next, I request Mr. Muzaffar Ali sir.